वेलकम टू मैथ क्लास चैनल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सिंपलीफाई हमने करना है, क्या है हमारे पास है टू एक्स की पावर नेगेटिव टू है वाई की पावर क्यूब है और होल का हमारे पास क्यूब है तो क्या करेंगे यहाँ पर ये जो क्यूब है ना वो इसकी भी पावर है बिकॉज़ वो होल की पावर है ना तो वो इसकी भी पावर है वो इसकी भी पावर है वो इसकी भी, है, वो इसकी भी है मतलब थ्री जो है इसकी भी पावर है और इधर ऑलरेडी पावर नेगेटिव टू है इसकी पावर कैसे होगा मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी पावर के साथ इसी तरह इधर भी ऑलरेडी टी थ्री है ये भी पावर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी ठीक है तो हम पहले राइट कर लेते हैं स्टेप में कि ये जो क्यूब है इसके ऊपर भी आ जाएगा इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी ठीक है तो जब टू के ऊपर क्यूब आएगा राइट कर लिया फिर एक्स का एक्स है एक्स के ऊपर ऑलरेडी जो पावर है नेगेटिव टू वो राइड करो और ये जब पावर आएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव टू था तो इसलिए एक और जो ये पावर हो रही है मल्टीप्लाई तो इसने मल्टीप्लाई बाय थ्री आ गया वाई के ऊपर क्यूब था वो राइट करो और ये जो क्यूब आया इधर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ फिर क्या हो जाना टू का क्यूब कैसे ओपन होना है हमारे पास टू का क्यूब इस तरह से होना है टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू टू का क्यूब का मतलब है कि आप क्या करो टू को थ्री टाइम राइट करो और मल्टीप्लाई करवा दो टू टू टाइम फोर और फोर टू टाइम एट तो टू का क्यूब क्या आ गया हमारे पास एट के इक्वल आ गया और यहाँ पर एक्स का एक्स आ गया और नेगेटिव टू और टू थ्री को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो थ्री इंटू टू सिक्स आ जाएगा और साइन भी यहाँ पर माइनस का आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर कोई साइन है तो प्लस है माइनस प्लस माइनस माइनस और टू इंटू थ्री सिक्स आ गया वाई का वाई आ जाएगा थ्री इंटू थ्री क्या आ जाएगा नाइन आ जाएगा फिर हमने क्या करना है एट का एट हमारे पास आ जाना है और ये वाई की पावर नाइन पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही रहेगी और ये एक्स की पावर नेगेटिव सिक्स है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले जाएंगे हमने याद रखना है जब भी कोई भी पावर किसी भी वेरिएबल की नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम ऊपर ले आते हैं अगर नीचे और अगर वो ऊपर है तो हम उसको नीचे ले जाते हैं जैसे इस केस में नेगेटिव पावर थी इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए ठीक है डिनोमिनेटर में ले गए और अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव करने के लिए फिर हम डोमिनेटर में ले आते हैं मतलब ऊपर ले आते हैं इस तरह से सॉल्व हो गया इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते जितना हो सकता था हमने इसको सॉल्व कर लिया है तो ये सॉल्व हो गया होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक के